अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फातिमा शफीक है। मैं इधर आ खान में फाइनल ईयर की मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं डायरेक्टर भी हूँ सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन इन एजुकेशन के सोशल्स एंड मार्केटिंग विंग की। आज मुझे कहा गया है टू टॉक अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन एंड मेंटल हेल्थ फॉर मेंटल हेल्थ डे। For me personally, mental health has, because I'm the daughter of a psychiatrist, बचपन से ही मैं अपनी mental, emotional और physical health तीनों की तरफ बहुत ज़्यादा focus देती रही हूँ और बहुत reflect करती रही हूँ upon them. And over time and with age, मुझे realize हुआ है importance of education of mental health, education, emotional health and suicide prevention health, awareness education as well. And so I think we should start off by discussing what the problem is. The problem is that every 40 seconds ek insaan apni jaan le leta hai. Iska matlab hai ki har 40 second ke andar, every 40 seconds someone is killing themselves, and it is the second most leading cause of death amongst 15 to 29 year olds. Matlab ki jo jawan log hote hain 15 से 19 के, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा कॉमन वो है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड है। और 78% ऑफ जो दुनिया में होती है सुसाइड्स, वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती हैं, और पाकिस्तान उन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ का हिस्सा है। सो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सुसाइड के बहुत डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, और अगर हम इमोशनल हेल्थ असाइड सिर्फ मेंटल हेल्थ पे फोकस करें तो अबाउट 10.7% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, विच इज़ ऑलमोस्ट 7 बिलियन, मतलब कि 7 बिलियन में से तकरीबन 11% लोग जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं या डायग्नोज हो चुके हैं। एंड ऑफ दोज पीपल एज वेल, जो सुसाइड हमें नज़र आती है, जो खुदकुशी करने वाले लोग नज़र आते हैं, 90% ऑफ द लोग जो खुदकुशी करते हैं वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। और ये भी अभी एक अंडर रिपोर्टेड नंबर है, ये सारे अंडर रिपोर्टेड नंबर्स हैं बिकॉज लोग जाते ही नहीं हैं, मेंटल हेल्थ सीख ही नहीं करते, इससे रिसर्च या डेटा नहीं अवेलेबल होता है इन सर्टन सब्जेक्ट्स के ऊपर। लेकिन दिस शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन सुसाइड प्रिवेंशन एंड वाई, अगर दुनिया के इतने ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं तो वाई द वर्ल्ड नीड्स टू इन्वेस्ट अलॉट मोर इनटू मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एजुकेशन। अब दुनिया में बहुत मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स और पर्सनालिटी मूड डिसऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, और हर किसी को कोई ना कोई छोटा सा ट्रेट हो सकता है जिसका वक्त पे इलाज कराया जा सके, वक्त पे पकड़ लिया जा सके, तो खुदा ना हादसा कल को काफ़ी वर्स्ट सर्कमस्टांसिस से बचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन राइट नाउ सफर्स फ्रॉम डायग्नोस्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और बहुत सारे लोग चेक नहीं कराते अपने आप को, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, थेरेपिस्ट से नहीं लेते कॉन्सल्ट्स, और उनके डिसऑर्डर्स हमें कभी पता ही नहीं चलते। इसी तरह डिप्रेशन कॉजेज, डिप्रेशन अबाउट 3.4% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को डिप्रेशन है। इसी की तरह बाइपोलर, 0.6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया इज 0.3 to 0.5%, अल्कोहल अब्यूज इज अबाउट 1.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, substance abuse जिसमें marijuana and other nicotine and other illicit drugs are included, उसमें that is about 13% of the world population, and drug abuse is about 0.9% of the world population, and all of these disorders predispose you to suicide. So it is important कि आप अपने disorder को, अपने problems को किसी के साथ share करें जिसको पता हो कि उन प्रॉब्लम्स को हैंडल किस तरह करना है और आपने उन प्रॉब्लम्स को किस तरह हैंडल करना है, आपको गाइडेंस मिले। सो फॉर दैट पर्पस आई वुड से दैट फॉर दिस मेंटल हेल्थ डे, लेट्स ऑल रिफ्लेक्ट एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, एंड लेट्स ट्राई टू बी देयर एंड बी काइंडर टू ईच अदर एंड ट्राई टू लिसन टू ईच अदर एंड अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज स्टोरीज एंड मे बी वी कैन हेल्प ईच अदर अलॉन्ग द वे। आई थिंक कोविड-19 ने काफ़ी अच्छा सबको लाइफ रिफ्लेक्ट करने का टाइम दिया था, एंड आई होप दैट एवरी वन हैज़ ग्रोन अप फ्रॉम इट, आई श्योरली हैव,
एंड इंशाल्लाह हम सब एक बेहतर टाइम की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और हम इंडिपेंडेंट होना और दुनिया के अंदर एक दूसरे का साथ देना साइमल्टेनियसली सीखेंगे. थैंक यू वेरी मच.